और आज अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में मौसम विभाग के पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हमें अपने पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। विकास के नाम पर पेड़ काटना अनुचित है, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने का लक्ष्य होना चाहिए। सुनते और क्या कुछ कहा। आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। वर्तमान समय में धरती को बचाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे NGOs और आम पब्लिक के द्वारा भी कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कारण हैं। हमारे साथ मौजूद है मौसम विभाग के पदाधिकारी अभिषेक आनंद जी। सर, आज वर्ल्ड अर्थ डे के अवसर पर क्या संदेश रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में कई परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। वर्ल्ड अर्थ डे बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है और हमें याद दिलाता है कि एक ही पृथ्वी है जहाँ पे अभी तक जीवन देखने को मिला है, बाकी ग्रहों में जीवन खोजा जा रहा है। और पृथ्वी को जब तक हम लोग संरक्षित नहीं करेंगे, खासकर जल जमीन जंगल को संरक्षित नहीं करेंगे और इनके साथ में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को नहीं ले जाएंगे, सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो आने वाला दिन और भयावह हो सकता है, जिसमें जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, उनकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ सकती है। तो लोगों से भी यही अपील होगी कि ग्लोबल को लोकल बनाने के तरीके में लोग जाएं, कि ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है बट लोकल तरीके हम उससे कैसे निपट सकते हैं। तो ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएँ और जल जमीन जंगल का संरक्षण करें। जो छोटे तालाब हैं आपके पास में हैं, छोटी नदियां हैं, उनको संरक्षित करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेवलपमेंट के समय में बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि आज मतलब बुरी स्थिति में हैं या एकदम ख़त्म होने के मुहाने पे आ गई हैं। कितनी नदियां सूख गई हैं या क्योंकि उसमें पानी नहीं आ रहा है, या कितने तालाब अधिग्रहण कर लिए गए हैं अवैध तरीके से। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम जो पर्यावरण है उसके साथ जो छेड़छाड़ है उसको रोका जाए और बढ़ावा दिया जाए। अगर हम लोग याद करें तो कोविड के समय में क्योंकि इंसान घर के अंदर थे और पॉल्यूशन उतना नहीं हो रहा था, गाड़ियाँ उतनी नहीं थी, तो हमें लगा कि पुराने जैसा फिर से मौसम वापस आ गया है। तो पर्यावरण अपने आप को फिर से रिजुविनेट करेगा जब हम उसे मौका देंगे। तो उसके लिए हमें है कि उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है और ये आज के दिन में सबसे ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आज के दिन में बहुत विनाशकारी हो रही हैं और हमें जगह जगह पे सुनने को मिल रहा है। तो कोई भी जगह इससे अछूता नहीं रहेगा, तो हमें लोकल लेवल पे जो है अपने पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट की ओर, डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। आप देख सकते होंगे बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार हो रहे हैं। हमारी राजधानी रांची जो जल जंगल जमीन के वजह से जाना जाता था, वो इस वक्त बड़े बिल्डिंग से घिरता हुआ नज़र आ रहा है। इससे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। जी, इससे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि जो जिन जगहों पे पेड़ थे, जिन जगहों पे तालाब थे, उसकी जगह पे सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। और आबादी कोई भी जगह, जैसे रांची आपका है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे है, तो इस टाइप के ज़मीनों पे ना मतलब पॉपुलेशन का एक लिमिटेड रिसोर्सेस को ही प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर अत्यधिक आबादी हो जाए, जैसे सिर्फ रांची में आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और झारखंड में और शहरों में वो उतनी आबादी नहीं है, तो उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट हो वो सामूहिक हो, पूरे झारखंड में हो, ना कि कुछ चुनिंदा जगहों पर हो, और साथ में पर्यावरण को लेके चला जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने से होगा, हमको साथ में उसके अगल बगल में जो पेड़ पौधे हैं उसको भी संरक्षण करना पड़ेगा। जिस जगह पर अगर पेड़ पौधे काट के बने हैं तो हमें और पेड़ पौधे लगा के उनको संरक्षित करना पड़ेगा। और आजकल तो बहुत तरीके हैं कि पेड़ को अगर काटने से बचाया जाए तो उसको उखाड़ के, ज़मीन से ही उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जा सकता है। तो इस टाइप के भी टेक्निक जो है उसको हम लोग को देखना चाहिए। आजकल ग्रीन बिल्डिंग टाइप का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस टाइप में हम लोगों को सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का डिमांड भी है, बट डेवलपमेंट पर्यावरण के खिलाफ जाके नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को साथ में लेके अगर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो आने वाली जो पुश्तें हैं उनके लिए भी जो ज़िंदगी है सुलभ रहेगी, नहीं तो आने वाला दिन बहुत कठिन होने वाला है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से अभिषेक जी का कहना है कि डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ
हमारा जो जल जंगल जमीन है इसको भी बचाने की ओर चलना चाहिए, तभी एक अच्छा पर्यावरण हमें मिल सकेगा। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी मुकेश के साथ, रांची।